चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जून 2024 का करंट अफेयर। तो ये जो पीडीएफ है करंट अफेयर की, ये मेनली तैयार की गई है न्यूज़पेपर से, ठीक है, न्यूज़पेपर और पीआईबी से, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से और न्यूज़पेपर से। तो आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेगी जो शायद आपको मार्केट में जो मैगज़ीन है उसमें ना मिले। तो आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है, जो कि दिया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। किसे दिया गया? तो ये दिया गया है निमहांस को, ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत दुनिया में, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ना ये न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, ठीक है, तो ये रैंडम हो सकते हैं, बस आप डाटा याद रखिएगा, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक है। तो दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा चूना और चौथा सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक है। अगला देखते हैं हुलॉक गिबन, ठीक है, हुलॉक गिबन ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र वानर है, मतलब सिंगल गिबन है जो पाया जाता है। सबसे छोटे और समझदार वानर दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। गिबन्स के एकल संबंध होते हैं, नर काले रंग के होते हैं, जीवन का लगभग 25 वर्ष होता है। हुलॉक गिबन अभ्यारण असम में स्थित है, ठीक है, हुलॉक पार्क गिबन अभ्यारण असम में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में था तो पूछ सकता है। पूर्वी हुलॉक गिबन असुरक्षित वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, पश्चिमी हुलॉक गिबन संकटग्रस्त बोले तो इन डेंजर्ड के अंदर आता है और भारतीय वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण अधिनियम अनुसूची वन के अंदर रखा गया है, ठीक है, कौन सी अनुसूची का, अनुसूची वन के अंदर। देख देते हैं कोलंबो प्रक्रिया, ठीक है, कोलंबो प्रक्रिया है क्या पहले ये देखते हैं। तो यह एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है और यह एशिया के मूल देशों के लिए विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है ये बेसिकली एक विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के बाद से भारत इसका सदस्य रहा है। इसमें 12 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और पाकिस्तान है। कोलंबो प्रक्रिया गैर बाध्यकारी या फिर नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं लेखा महानियंत्रक, ठीक है, तो ये भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। 2023-24 में सरकार का राजकोषीय घाटा GDP का 5.63% रहा, ठीक है, जबकि केंद्रीय बजट का अनुमान था कि 5.8%, ठीक है, रहा 5.63%, लेकिन केंद्रीय बजट का अनुमान था 5.8%। केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षक प्रभारी है, ठीक है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन भी देखता है लेखा महानियंत्रक। अगला पॉइंट पैराट्रिचिना नीला, ठीक है, पैराट्रिचिना नीला ये चींटी है, ठीक है, चींटी की प्रजाति है जो कि पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा पैराट्रिचिना नीला, तो जो इसमें देखा पैराट्रिचिना तो चींटी ऐसे आप याद रख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं जम्मू और कश्मीर सरकार ने मानव रैबीज को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है, ठीक है। अंटार्कटिका को छोड़कर रैबीज सभी महाद्वीपों पर पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से किन महाद्वीप पर नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा सिर्फ अंटार्कटिका पर नहीं पाई जाती है रैबीज, ठीक है। रैबीज RABV वायरस के कारण होने वाली एक वैक्सीन रोकथाम योग जेनेटिक वायरल बीमारी है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मनुष्य रूप से प्रभावित करती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है रैबीज। 99% मामलों में घरेलू कुत्ते रैबीज के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, घरेलू कुत्ते, ठीक है। पंपा झील की बात करें तो पंपा झील कहाँ पे? कर्नाटक में है, ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है। 5 पवित्र झीलों पंचसरोवर में से एक है, ठीक है। अब पंचसरोवर पूछ सकता है पंचसरोवर में कौन कौन सी आती है, तो मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। तो ये पांच पवित्र झीलों जिसे पंचसरोवर बोलते हैं उनमें से एक है पंपा झील, जो कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है और ये कहाँ पे? कर्नाटक। तुंगभद्रा कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी है, ये भी इसी के साथ आता है।
डाटा याद रखिएगा, ठीक है। आयरिस टी मिसाइल अगली पीढ़ी की कम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो पूछ सकता है कि आयरिस टी मिसाइल जो है वो किस तरह की मार करने में सक्षम है, तो हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। 6 देशों का कार्यक्रम है ये आयरिस टी मिसाइल, जिसमें जर्मनी, ग्रीस, नॉर्वे, इटली, स्पेन और स्वीडन है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग और रिमपैक बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल हुआ। किसमें? रेड फ्लैग है वायु अभ्यास, और रिमपैक की बात करें तो ये नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। रिमपैक का आप फुल फॉर्म जानते हुए रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन, उसी को बोलते हैं रिमपैक। बात करते हैं निपा वायरस की, जो कि जून में काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो निपा वायरस एक जेनेटिक वायरस है जानवरों से मनुष्य में फैलता है। जेनेटिक मतलब जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, ठीक है। आरएनए वायरस परिवार से संबंधित है, वही आरएनए के फैमिली से रिलेट है। जो निपा वायरस सबसे पहले मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था। निपा वायरस कब देखा गया था? 1998-99 के दौरान, ठीक है। और सबसे दिक्कत की बात क्या है कि कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। और बात करते हैं कि इसके ये जो रोग है ये फैलता कैसे, तो यह रोग फल चमगादड़ों, जिसे फ्रूट बैट्स कहते हैं, या फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है। किससे? फ्रूट बैट या फल चमगादड़ों या फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है। तो याद रखिएगा निपा वायरस काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टोंगा ज्वालामुखी कहाँ है? माउंट आबू पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्र करने के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है। कौन सा मिशन लॉन्च किया है? चांग E6 मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। किसने? चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए चांग E6। देखिए ये आप ऑप्शन देख के मार दोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखते हैं, श्वेत फास्फोरस बम, ये है क्या? सबसे पहले तो ये एक अत्यधिक ज्वलनशील रसायन है, ठीक है। एक मोमी पीले से रंग की पारदर्शी रसायन है, जिसकी गंध लहसुन जैसी तीखी होती है, ठीक है। सबसे ये पूछ सकता है यह है क्या? ये अत्यधिक ज्वलनशील रसायन है, ठीक है, रासायनिक। और अगला देखते हैं, ब्रिटिश सेना ने दोनों विश्वयुद्धों में इनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश सेना ने दोनों विश्वयुद्धों में इसका प्रयोग किया था, श्वेत फास्फोरस बम का, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये याद सोचने वाली बात यह है कि श्वेत फास्फोरस न्यूज़ में आया क्यों, ठीक है। किसने हाल फिलहाल में यूज़ किया? तो अभी जो हुआ था ना, इसराइल ने लबनान में यूज़ किया था, ठीक है, श्वेत फास्फोरस बम, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। तो इतना याद रखिएगा, रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने इसको, मतलब कि इस पर क्या रोक लगा रखी है, ठीक है। नए हथियारों को रोकने के लिए ये बनाया गया है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, और इसने ही श्वेत फास्फोरस बम पर रोक लगा रखी है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन है क्या। तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है, रासायनिक हथियार सम्मेलन द्वारा। ओके, अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो है आलेग कोनानेको, जो कि रूसी कॉस्मोनॉट के, ठीक है। जाखू पहाड़ी कहाँ पे है? शिमला में है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिनबॉम। कौन है? क्लाउडिया शिनबॉम। अगला पॉइंट, सिकल सेल रोग की बात करते हैं, तो एक वंशानुगत लाल रक्त कोशिका विकारों का एक समूह और हीमोग्लोबिन में विसंगति उत्पन्न हो जाती है। सिकल सेल मतलब आपकी RBC ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, सिकल सेल हो जाएगी, इसी को कहते हैं, इसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती है, ठीक है, आपके RBCs में ये। और उपचार क्या क्या है? रक्तदान, हाइड्रोक्सी यूरिया और स्टेम सेल प्रत्यारोपण। अगला पॉइंट देखते हैं, इसरो ने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। प्रवाह सॉफ्टवेयर है क्या? एरोस्पेस वाहन एरो थर्मो विश्लेषण के लिए समानांतर रास सॉल्वर। वॉल्वो दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट जारी करेगा। कौन करेगा? वॉल्वो करेगा, पहला है तो याद रखिएगा, वॉल्वो दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट जारी करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नीदरलैंड बना 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है USA और UAE के बाद, ठीक है। पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर UAE और तीसरे नंबर पर भारत, ठीक है। नीदरलैंड बना 2024 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य निर्यात, ठीक है, USA नंबर 1, UAE नंबर 2 और भारत नंबर 3, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जिसकी थीम थी भूमि पुनर्स्थापन मरुस्थलीकरण और भूखे से बचाव। क्या थे? भूमि पुनर्स्थापन मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव, ठीक है।
5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में पहला दिन मनाया गया इसका। 2024 में सऊदी अरब मेजबानी कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस की, ठीक है ठीक है। और अगला देखते हैं, 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है। तो पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितने लोग के नंबर पूछ लेगा, तो याद रखिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है, ठीक है, लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत। गोल्डन कॉन्स पुरस्कार, ठीक है, 10 लाख गोल्डन कॉन्स पुरस्कार 10 लाख रुपए नकद दिया जाता है इसमें। और मतलब ये पूछा गया है कि इसमें कितना पैसा दिया जाता है गोल्डन कॉन्स पुरस्कार, तो 10 लाख रुपये नकद दिया जाता है। मियाओ की वृक्षारोपण पारिस्थितिकी बहाली और वनीकरण विकास के लिए एक जापानी दृष्टिकोण, ठीक है, गोल्डन कॉन्स पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की बात करें तो एच ई शिरिल रामाफोसा बने हैं। मरकरी आइलैंड नामीबिया में है। कॉस्ट प्रणाली की बात करें तो भारतीय रेलवे के अंतर्गत अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी रूप से निर्मित एवं विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच, ठीक है। हालांकि अभी बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं रेलवे में, तो सरकार उसका ही जल्दी से कुछ सोल्यूशन निकालेगी। कोल्लम बंदरगाह को आवर्जन जांच चौकी इमिग्रेशन चेक पोस्ट घोषित किया गया, किसको, कोल्लम बंदरगाह को। अगला पॉइंट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार इस वर्ष भारत के परमाणु शस्त्रागार हथियार की संख्या 172 तक पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है, 172 तक, सिप्री, ठीक है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है, ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल बेल्ट में कौन कौन से आते हैं, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, केरल और राजस्थान, ठीक है। उन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में ज़्यादा प्रचलित है जहाँ मलेरिया स्थानिक है। लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करती है, ठीक है, और आदिवासी आबादी के बीच व्यापक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना गृह मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी भारत के समुद्री खाद्य निर्यात वस्तुओं में फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली शामिल है, ठीक है। अमेरिका और चीन शीर्ष निर्यात गंतव्य हैं और जापान तीसरा और वियतनाम चौथा है। सिंपल सा याद रखना है इसमें, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ठीक है, भारत के समुद्री खाद्य निर्यात वस्तुओं में फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली शामिल है। अमेरिका और चीन शीर्ष निर्यात गंतव्य, जापान शीर्ष पे है, उसके बाद है जापान तीसरा और वियतनाम चौथा, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये फैक्ट वाला है और बाकी ये अलग है। अगला पॉइंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में धन प्रेषण सेवाएं प्रदान करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एक सिंह वाला गेंडा, ठीक है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वहीं उसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, ठीक है। ये IUCN के हिसाब से असुरक्षित है, सिटीज़ में परिशिष्ट वन में रखा गया है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन में रखा गया है। यह भारत, नेपाल और हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पहचान एक काले सिंह से होती है। लाओ खोवा और बुरहा चौपरी वन जीव अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। अगला पॉइंट देते हैं, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। ADB के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए तो बहुबच्चे विकास बैंक है, 1966 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना इसका काम है। जापान और अमेरिका सबसे बड़े शेयर धारक हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। जस्ट स्टॉप ऑयल समूह की बात करें तो जलवायु कार्यकर्ताओं का एक समूह है। रूस, उत्तर कोरिया रक्षा पैक पारस्परिक रक्षा सहायता पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया। किसने, रूस और उत्तर कोरिया रक्षा पैक पारस्परिक रक्षा सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अगला पॉइंट देखते हैं, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, आप सबको पता है। 2015 में इसका प्रथम संस्करण मनाया गया जिसका विषय था सद्भाव और शांति के लिए योग। जो 10वां था इसका जो थीम था, विषय था, वो था स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव 69/131 द्वारा अपनाया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडिको नेमा पूर्वी और पश्चिमी घाटों से मीठी पानी के
नए डायटामोन्स की खोज की गई, क्या? इंडिकोनेमा। याद रखिएगा, इंडिकोनेमा पूर्वी और पश्चिमी घाटों से मीठे पानी के नए डायटामोन्स की खोज की गई। देखिए, तो चिनाब रेल पुल की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के शंगलदान को, रामबन जिले के संगलदान को रियासी से जोड़ता है, किसको जोड़ता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, संगलदान को रियासी से जोड़ता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1.3 किलोमीटर है, ठीक है, 1315 मीटर, ठीक है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना का हिस्सा है, ठीक है, जो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई थी। पेरिस के एफिल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, लंबाई 1315 मीटर है, ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, KGF। कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित खदानों का स्वामित्व भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML के पास है, ओके। अगला पॉइंट है, भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटोम स्पीकर नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की है किस अनुच्छेद द्वारा? आर्टिकल 95+1। अगला पॉइंट देखते हैं, धारीदार सिसिलियन, ठीक है, धारीदार सिसिलियन अंगहीन उभयचर लिमलेंस एम्फीबियन है ये, ठीक है, पहली बार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट वही, स्ट्रिप्ड सिसिलियन या धारीदार सिसिलियन अंगहीन उभयचर है, लिमलेंस एम्फीबियन है, पहली बार कहाँ पाया गया? काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। गोल्डन ग्लोब विजेता डोनाल्ड सदरलैंड का निधन, ठीक है, गोल्डन ग्लोब विजेता डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हो गया, ठीक है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार था, ठीक है, गोल्डन ग्लोब विजेता, ठीक है। अगला देखते हैं, निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे, ठीक है, आउटगोइंग डच नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अगले प्रमुख बने, जो डच के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, वो नाटो के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अगले प्रमुख होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। थीम इसकी थी हाइड्रोग्राफिक सूचना समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा दक्षता और स्थिरता बढ़ाना, ठीक है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, मुख्यालय मोनाको में, उद्देश्य समुद्री जीवन के लिए विभिन्न पहलुओं को संबोधित करना। भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग भारतीय नौसेना के अधीन कार्य करता है। अगला देखते हैं, निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित फिल्म द गोल्डन थ्रेड ने मिफ 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? मिफ। किसने जीता है? द गोल्डन थ्रेड ने, ठीक है। निर्देशित कौन था? निष्ठा जैन थी। अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024-2023 में संबंध क्षेत्रों की हिस्सेदारी फसल की 54.3, पशुधन की 30.9, वानिकी की 7.9 और मत्स्य की 6.9। मतलब रिपोर्ट पब्लिश की गई 2024 में, लेकिन जो डाटा था 2022-23 का था, जिसमें कि जो संबंध थे उनकी हिस्सेदारी, जितने संबंधित क्षेत्र थे उनकी हिस्सेदारी कितनी थी, तो फसल की थी 54.3, पशुधन की 30.9, वानिकी की 7.9 और मत्स्य पालन का 6.9। अगला थे कोवैक्सीन, स्वदेशी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन जो लॉन्च की गई है, स्वदेशी कोरोना वायरस के लिए वो अपनी कोवैक्सीन ही है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के सहयोग से बनाया गया। इसके द्वारा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के सहयोग से बनाया गया, ठीक है। रिकॉर्ड कहते हैं कि बौद्धिक संपदा IP अधिकार दोनों संगठनों के बीच संयुक्त रूप से साझा किए गए थे। कोवैक्सीन की बात करें तो पेटेंट फाइलिंग में भारत बायोटेक का आविष्कारक बताया गया है, ICMR को नहीं, मतलब आविष्कार किया गया भारत बायोटेक। भारत के पेटेंट कानून की बात करें तो उत्पादक और प्रक्रिया पेटेंट दोनों की अनुमति देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्मेनिया फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नवीनतम राष्ट्र बन गया है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे भी दे चुके हैं आर्मेनिया को, मतलब फिलिस्तीन को मान्यता, ठीक है। इसके पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे दे चुके हैं, अब आर्मेनिया भी दे दिया। बात करते हैं अगला डल झील की, तो यह श्रीनगर में एक झील है जो पीर पंजाल पहाड़ियों से घिरी हुई है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है, जिसमें तैरते हुए बगीचों या राड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जल झील को सिल्वर आइलैंड और स्वर्णद्वीप भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जीएसटी परिषद, ठीक है, संवैधानिक निकाय अनुच्छेद
279 ए राष्ट्रपति को यह परिषद गठन करने की शक्ति देता है। अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर, मूल्यवर्धित कर 2017 में लॉन्च किया गया है, ये मतलब जीएसटी माता का उनका है। तो अप्रत्यक्ष कर और मूल्यवर्धित कर 2017 में लॉन्च किया गया, 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था उसी के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जो 101वां था, ठीक है, 2016 में, और 2017 में ये लॉन्च किया गया। केंद्र को कुल वोटों की एक तिहाई महत्व प्राप्त है, सभी राज्यों को संयुक्त रूप से दो तिहाई हिस्सा होता है। बात करते हैं रोटा वायरस की, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस गंभीर दस्त का कारण बनता है बच्चों में। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर लगभग 10% है जिनमें जो रोटा वायरस का संक्रमण होता है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा रोटा वैक्सीन तैयार की गई है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा रोटासिल वैक्सीन बनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कजाकिस्तान में HCO शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो HCO बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना 2001 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने की थी, ठीक है। आधिकारिक कामकाजी भाषा इसकी रूसी और चीनी है HCO की, ठीक है। इसी में पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य बने कब, 2017 में। 2021 में ईरान HCO का पूर्ण सदस्य बना, कुल 9 देश सदस्य है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCO में कुल कितने देश सदस्य हैं, तो 9 देश। भारत कब बना ये पूछ सकता है, 2017 में, और भारत के साथ साथ भारत का पूर्ण सदस्य पाकिस्तान भी बना। अगला बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जहाँ पर मोदी जी गए हुए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार में इसकी स्थापना की थी। कब की थी नालंदा विश्वविद्यालय का, गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार में इसकी स्थापना की थी। यह एक मठवासी प्रतिष्ठान था, बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख दर्शनों को पढ़ाने सिखाने के लिए उपयोग किया जाता था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो हर्षवर्धन और पाला राजाओं के काल में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। 12वीं शताब्दी के ईसा पूर्व लगभग 1193 में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो पूछ सकता है कि बख्तियार खिलजी ने कब नष्ट किया, तो 1193 में। ओके, अगला देखते हैं तमिलनाडु में पेरुम्बलाई, ठीक है। तमिलनाडु में पेरुम्बलाई पुरातात्विक उत्खनन स्थल आर्कोलॉजिकल एक्सक्वेशन साइट में अन्य प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल भी वल्लम, कोदुमनल, कलिदी, उरैर और करूर। पूछ लेगा कि जो पेरुम्बलाई है, ये मेनली न्यूज़ में था कि ये मिला गया एक आर्कोलॉजिकल साइट से, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमाण मिले हैं तो तमिलनाडु के कहाँ, पेरुम्बलाई में, ठीक है। अगला देखते हैं ये पुरातात्विक उत्खनन साइट या आर्कोलॉजिकल एक्सक्वेशन साइट मिले बनाई गई, ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु के पेरुम्बलाई में, याद रखिएगा, बस बहुत है। बात करते हैं मिथेनॉल की, तो ये रंगहीन और अस्थिर तरल पदार्थ है। इसे मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल भी कहते हैं। यह पानी के साथ पूरी तरह से मिल जाता है। खतरनाक रसायनों का विनिर्माण भंडारण, ठीक है, और आयात नियम 1989 के अनुसूची 1 में मिथेनॉल शामिल है। नीति आयोग का मिथेनॉल अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम है, ठीक है। मिथेनॉल अर्थव्यवस्था, मिथेनॉल इकोनॉमी किसका कार्यक्रम है, नीति आयोग का, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मिथेनॉल या हूच, इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर कम गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता वाली शराब का वर्णन करने के लिए किया जाता है। किसका, हूच का, ठीक है। पूछ सकता है हूच किससे रिलेटेड है, तो इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर कम गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता वाली शराब का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला पढ़ते हैं भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है। रूस ने भारत के साथ लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। RLV बोले तो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि आगे देखते हैं पुष्पक, ठीक है, पुष्पक है RLV, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पुष्पक। इसरो का पुनः प्रयोग योग प्रक्षेपण यान RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कौन से, पुष्पक है। यह इसरो का पुनः प्रयोग योग प्रक्षेपण, ठीक है। इसकी क्वालिटीज देख लीजिए, क्वेश्चन पक्का आने की उम्मीद है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है इसरो। अन्य प्रमुख उपग्रह की बात करें तो स्वयं, जुगनू और स्टडसेट, गगनयान, अमेजोनिया 1, माइक्रोसेट और यूथसेट है, ठीक है। एप्पल, मॉम, चंद्रयान 1, ये सब तो हैं। वर्तमान अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ जी हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह आर्बिट लॉन्च किया गया था कब, 1975 में। मोटो है आदर्श वाक्य है इसरो का, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है,
डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं SVOM मतलब स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, SVOM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, ठीक है, चीन और फ्रांस द्वारा विकसित उपग्रह है। उद्देश्य है गामा किरण विस्फोटों का पता लगाना और अध्ययन करना। चैट नियंत्रण कानून यूरोपीय संघ द्वारा भी लॉन्च किया गया है। बात करते हैं वन वीक वन थीम अभियान की, ठीक है, और वन वीक वन लैब कार्यक्रम की, तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या वन वीक वन थीम वन वीक वन लैब किसके द्वारा? वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। अगला पॉइंट देते हैं ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देते हैं केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल को केरलम करने का प्रस्ताव विधानसभा ने पारित किया है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम नए राज्यों का गठन तथा और क्षेत्र से संबंधित है, विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। तो आर्टिकल भी अभी न्यूज़ में है, तो आ सकता है, याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीस्ता नदी की। तो तीस्ता नदी खंगचुंग छो नामक हिमानी झील से छोबो शु के रूप में निकलती है, ठीक है। और तीस्ता नदी की बात करें तो गजलडोबा बैराज पश्चिम बंगाल, ठीक है, गजलडोबा बैराज पश्चिम बंगाल के से निकलती है और द्वानी बांग्लादेश तक जाती है, ठीक है। तीस्ता नदी जमुना ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की सहायक नदी है। पूछ सकता है कहाँ से निकलती है गजलडोबा बैराज पश्चिम बंगाल से, कहाँ तक जाती है? द्वानी बांग्लादेश तक, और जमुना ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की सहायक नदी है, ठीक है। 2000 ये न्यूज़ में था ना, तीस्ता वाटर रिवर इंडिया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसलिए ये आया था। 2025 से 25 जनवरी को तमिल भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाएगा 2025 से, तो तमिल भाषा शहीद दिवस के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर नामित, ठीक है, कुवैत आधारित गैर सरकारी संगठन, ठीक है, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर नामित किया गया है, ठीक है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को नामित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व शिल्प परिषद की, तो कुवैत आधारित गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, उसमें पहले भी जोड़ा गया है इंडिया के कुछ शहर, तो उसमें जयपुर है, ममल्लापुरम है और मैसूर है, ठीक है। और क्यों जोड़ा गया? क्योंकि नमदा कला कश्मीर की बहुत फेमस है। अगला पॉइंट देते हैं भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की, ठीक है, इसका जो मोटे दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मपुत्र और मशकुआ नदी के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया। किसके? ब्रह्मपुत्र और मशकुआ, इसलिए ब्रह्मोस नाम रखा गया, ठीक है। और इसका जो सिद्धांत दागो और भूल जाओ बहुमत मिसाइल है। अगला पॉइंट देते हैं आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ 25 जून 1975 को मनाई गई। भारतीय सेना ने सिक्किम में 48 घंटे में बनाया सस्पेंशन ब्रिज। सरोगेसी में पैदा हुए बच्चे के माता पिता के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है, ठीक है। कुर्दिश क्षेत्र कहाँ पर है? तुर्की में है, ठीक है। और दागिस्तान क्षेत्र रूस में है। ये पूछन पीसेस वगैरह में पूछ लेता है कुर्दिश क्षेत्र कहाँ आता है? तुर्की में है, और दागिस्तान क्षेत्र है रूस में। ओके नेक्स्ट देखते हैं भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता अगले 5 वर्षों में लगभग 70% बढ़ जाएगी। स्थापित क्षमता इंस्टॉल कैपेसिटी 7.48 गीगावाट से बढ़कर 2029 तक 13.8 गीगावाट हो जाएगी। ओके अगला पॉइंट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय नोएडा, ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय जो कि नोएडा में स्थित है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो वैधानिक निकाय है, स्थापना 1986 में की गई और 1985 में अधिनियम द्वारा इसका लाया गया था, ठीक है। स्थापना 1986 में ही, लेकिन जो होते ना पहले एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया था। कुल नेगम में जलमार्ग 14,500 किलोमीटर का है, ठीक है, जिसमें से 5200 किलोमीटर नदियों द्वारा है और 4000 किलोमीटर नहरों द्वारा है। अगला बात करते हैं वाइल्ड बोर की या फिर जंगली शुअर की बात करते हैं। तमिलनाडु ने जंगली शुअरों को नियमित रूप से मारने की अनुमति दी है, ठीक है। पूछ सकता है कहाँ पे दी गई, तो तमिलनाडु में। बात करते हैं जल जीवन मिशन की, तो 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च किया गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा,
ठीक है, इसका लक्ष्य ग्रामीण भारतीयों के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है, जिसकी फंडिंग 50-50 होगी, 50% केंद्र सरकार करेगी और 50% राज्य सरकार के माध्यम से होगी, ठीक है। लेकिन जो हिमालयी राज्य है उसमें 90% केंद्र सरकार करेगी और 10% राज्य सरकार करेगी। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर रतलज जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है, चेनाब नदी पे है पाकल दुल बांध, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, चेनाब नदी में कहाँ, पाकल दुल बांध पर रतलज जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट है, अमेरिकी सर्जन जनरल ने बंदूक हिंसा को स्वास्थ्य संकट घोषित किया। अगला पॉइंट है, महाकाली नदी के बारे में जो न्यूज़ में था, तो ये शारदा नदी, काली नदी, इसे शारदा नदी और काली नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कालापानी नामक स्थान से होता है, ठीक है। और महाकाली संधि कब साइन हुई थी भारत और नेपाल के बीच, तो 1996 में, यह घाघरा नदी में जाके मिलती है महाकाली नदी, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना था पहला पार्ट जून का, अगली वीडियो में आगे का कवर करेंगे, ठीक है। इस दो वीडियो में कंप्लीट जून का करंट अफेयर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।